हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण मौर्य। मैं एक लैपटॉप टेक्नीशियन इंजीनियर हूँ। गाइस, ये HP का लैपटॉप है और ये गिरने से इसमें मदरबोर्ड पर प्रॉब्लम आएगी, तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। बाकी मैंने इसे संभाल भी दिया है। तो सबसे पहले हमने इसके जितने भी सारे वोल्टेज 3-5 वगैरह और इसमें CMOS, सबसे पहले हम ITC सेक्शन चेक करते हैं। और इसका पहले हमने सेल निकाला। सेल निकालने के बाद फिर हमने इसे इस पर 3.3 वोल्ट सप्लाई चेक की और मैं इस तरीके से पहले मैंने इसे ऑन किया। ऑन करने के बाद थोड़ा इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही, और डिस्प्ले नहीं आने के बाद मैंने ITC सेक्शन चेक किया। इसमें 3.3 वोल्ट है। पहले सेल निकाला CMOS, और इसका CMOS सेल निकालने के बाद फिर इसमें ITC सेक्शन के जो IC हैं उस पर हम चेक करते हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट आने चाहिए। तो हम रैम निकालने के बाद और इसका जो मॉडल नंबर है इस पर सीरियल नंबर नहीं लिखा है, इसकी मैंने रैम भी साफ करके देखा, फिर भी नहीं हुआ है इसका सॉल्यूशन। तो मैंने इसका जो ITC सेक्शन किया उसमें भी सही था, और इसकी एक एक करके वन बाई वन हमने बीच से इसका वो रखा। और रखने के बाद पहले हमने इसके जितने सारे वो थी वो चेक करके दिखाया, ये इस तरीके से इसका 14.8 और इसका ये आ रहा है ग्राफ 18। इस तरीके से वन बाई वन इन्हें जितनी कॉल्स हैं उनके हम चेक करके देख लेते हैं, और जहाँ इसकी सप्लाई गड़बड़ दिखती है तो हम उस सेक्शन के लिए प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले हमें ITC सेक्शन चेक करना होता है। और इसकी जो प्रॉब्लम, मैंने इसे थोड़ा इसे IC के लिए मैंने जो इस पे हीट थोड़ा दिया, तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसे साफ करके और हीट दिया, और मैंने हीट देने के बाद और थोड़ा इसका जो प्रॉब्लम था इसका यहाँ से ये माउस पेट उखाड़ा, और यहाँ से ये सेक्शन था, यहाँ से रैम की सप्लाई नहीं बन पा रही थी, और रैम की सप्लाई नहीं बन पा रही तो उसका डिस्प्ले नहीं, लाइट नहीं आ रही थी। तो मैंने इन माउस पेड को डाल चुका हूँ पहले से ऑलरेडी, और मैं आप लोगों के लिए बताने के लिए मैंने इस एक वीडियो बना के मैंने आप लोगों के लिए बताया। और इसमें जो इसके जितनी भी ये निकली पड़ी हैं स्क्रू निकाल लगाने वाली, तो मैं इसे लगा देता हूँ इस तरीके से रखना होगा। इस तरीके से रखना होता है। इस तरीके से इसे बैठा दिया है एक और इसका, तो हमारी वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों तक पहुँचे।
पहुंच सके और आप अपनी प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे कि आपकी डिस्प्ले नहीं आती है तो रैम के लिए साफ़ करके भी हो सकता है, जैसे बाई चांस किसी भी मदरबोर्ड में कहीं भी फॉल्ट नहीं हो तो इसे रैम के लिए इस तरीके से लें, इस तरीके से साफ करें। तो साफ करने के बाद आपके में जब डिस्प्ले नहीं आती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और बाय चांस मदरबोर्ड पे है तो नहीं होगी, तो फिर आपके लिए किसी भी टेक्निक्स लैपटॉप रिपेयरिंग वाली शॉप पे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप करने की कोशिश करोगे तो आपका मदरबोर्ड भी डेड हो सकता है, क्योंकि बाय चांस भैया हमारा कंप्यूटर जोड़ देते भैया। इस तरीके से बैठा दिया मैंने, इस तरीके से बैठा दिया।